कैसी है पब्लिक? चलो भैया अच्छे हो? चलो आज स्टार्ट कर रहे हैं अपना एक नया चैप्टर, मतलब केमिकल काइनेटिक्स। इससे पहले हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है, अब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को थोड़ा सा और आगे लेके आएंगे, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ना है। तो ये आपका ये फोर्थ चैप्टर है केमिस्ट्री का, केमिकल काइनेटिक्स। चलो केमिकल में आपका पहला वर्ड आ रहा है केमिकल। केमिकल यानी जल्दी सब्सटेंस, डिफरेंट टाइप्स के सब्सटेंस, और काइनेटिक्स यानी होता है मोशन। तो हम यहाँ क्या पढ़ने जाने वाले हैं? केमिकल के मोशन के बारे में पढ़ने जाने वाले हैं, मतलब उनके मूवमेंट के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक, तो पहला आपका टर्म आ जाता है, इसी को डिफाइन करते हुए, रेट, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, तो जनरली रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है? आप अगर रेट से आपसे पूछूं तो क्या समझते हो आप ये बोलेंगे कि कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हो रहा है एक गिवेन टाइम में, उसे क्या बोला जाएगा? रेट। मतलब अगर मैं एक, मतलब एक घंटे में मान लेता हूं कि 10 किलोमीटर दौड़ता हूं, कितना? एक आवर में 10 किलोमीटर दौड़ता हूं। ठीक, किलोमीटर दौड़ता हूं, तो मेरा रेट क्या हो जाएगा दौड़ने का? जनरली 10/1, तो कितना हो जाएगा? अगर इसको मैं मिनट में मान लेता हूं तो ये 10 10, तो 1/6, 1/6 आ जाएगा, किलोमीटर पर मिनट आ जाएगा। तो ये मेरा आ जाएगा रेट, दौड़ने का रेट। ठीक, इतना तेज तो मैं दौड़ता नहीं हूँ जनरली, ना ही कोई और दौड़ता होगा। ठीक, ये काफी तेजी रफ्तार है। तो चलो भैया, रेट ऑफ रिएक्शन यानी यहाँ केमिकल्स में, मतलब अगर केमिस्ट्री में बात करेंगे तो इसके परफेक्ट टर्म में डिक्रीज इन कंसंट्रेशन इन ऑफ रिएक्टेंट और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय टाइम टेकन। तो चलो इसको लिख लेते हैं सिंपल में, और लिखता हूं मैं डिक्रीज और इंक्रीज इन, डिक्रीज और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, CONCENTRATION, कंसंट्रेशन ऑफ RECTANT, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक, जनरली डिक्रीज किसके साथ होगा? याद रखना, डिक्रीज होगा रिएक्टेंट का, इंक्रीज होगा हमेशा प्रोडक्ट। एक केमिकल रिएक्शन है हमारे पास, A+B gives me C, मतलब हमारे पास एक ए है और दूसरा बी है और जो सी दे रहा है, तो जनरली ये क्या हो जाएंगे? रिएक्टेंट्स हो जाएंगे। तो रिएक्टेंट की क्वांटिटी क्या होगी? ओवरऑल डिक्रीज करेगी और प्रोडक्ट ओवरऑल इंक्रीज करेगा। ठीक, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय टाइम टेकन। ठीक, तो ये आ जाएगा भैया रेट ऑफ रिएक्शन, कितनी तेजी से कोई रिएक्शन होता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक्सप्रेशन की बात करता हूं तो इसे किस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है? एक्सप्रेशन, EXPRESSION एक्सप्रेशन की बात करते हैं। ठीक, मान लेता हूं मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है, H2+N2 ले लेते हैं, प्रिपरेशन ऑफ एमोनिया, मतलब हैबर प्रोसेस। तो ये क्या देगा मेरा? NH3 देगा, क्या देगा? NH3 देगा। ठीक, अब मैं अगर इसको क्या कर देता हूँ, बैलेंस कर देता हूँ, तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2 है, तो यहाँ नाइट्रोजन कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, तो ये कितना आ जाएगा? 3, हो गया बैलेंस। चलो भैया, तो इसका एक्सप्रेशन, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन मैं किस तरह से एक्सप्रेस करूंगा? तो डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बोला था मैंने, तो डिक्रीज का मतलब मैं क्या लगाऊंगा? रेट इज इक्वल्स टू माइनस लगाऊंगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, जो रिएक्टेंट डिक्रीज होंगे उसके सामने क्या लगेगा? माइनस लगेगा। और ये डी बाय H2 कंसंट्रेशन का साइन है ना, ये जो ब्रैकेट लगा रहा हूँ, कंसंट्रेशन बाय dT इक्वल्स टू, इसी तरह से N2 के लिए भी हो जाएगा, माइनस डी N2 बाय dT। ठीक, और एक चीज और जो ध्यान दे रहे हैं अपन को, दैट ये टर्म जो अगर मोल्स, जितने नंबर ऑफ है वो मोल्स ऐड हो जाएंगे आगे में मल्टीपल में, वो यहाँ क्या हो जाएगा? डिवाइडेड में आ जाएंगे। मतलब ये इक्वेशन अगर साफ साफ लिखता हूँ तो ये 1/3 हो जाएगा माइनस, और इसमें तो कुछ नहीं है तो इसका 1 ही रहेगा। ठीक, और अगर NH3 के लिए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? NH3, और NH3 हमारा प्रोडक्ट है, तो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो मतलब इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव साइन लगाएंगे। ठीक, तो डी, और यहाँ 1/2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 1/2, और ये NH3
थ्री बाय डी टी। हो गया भैया पूरा का पूरा अपना इक्वेशन आ गया, यही अपने को इक्वेशन चाहिए था। तो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। चलो इसको लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है टॉपिक क्लियर है। चलो हो गया रब कर दूं, तो रेट ऑफ रिएक्शन समझ आए, डिक्रीज और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम टेकन, इसे क्या बोला जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी केमिकल की रेट बोला जाएगा, मतलब इतनी तेजी से ये हमारा अमोनिया की फॉर्मेशन हो रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक, तो आगे जाके इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस टॉपिक को मैं रब करता हूँ, थोड़ा और बड़ा चाहिए थी ये सब, अब कोई काम का नहीं तो उसको फिर रब कर देता है और आगे बढ़ते हैं एक्सप्रेशन के बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक में। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, कुछ भी ना क्लियर हो तो फटाक से एक कमेंट फेंक के मारना। ठीक, अब आता है हमारा दो और टॉपिक को कवर कर लेते हैं, एक होता है हमारा इंस्टेंटेनियस रेट, INSTANIOUS इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक, और एक आता है हमारा एवरेज RAGE एवरेज रेट। ठीक, ये दोनों टर्म्स को अपन को समझना है, एक इंस्टेंटेनियस रेट और दूसरा एवरेज रेट। ठीक, ये दोनों टर्म को समझ लेते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट समझ के रखोगे तो आगे के टॉपिक्स क्लियर होंगे। इंस्टेंटेनियस मतलब हमने क्लास 11th में फिजिक्स का जब पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे तो उस समय हमने समझा था इंस्टेंटेनियस मतलब एक स्मॉल, बहुत ज्यादा स्मॉल, जिसे किससे डोनेट किया जाता था, डी से डोनेट किया जाता था, और एवरेज को, एवरेज जो बड़ा साइन होता था उसे डेल्टा से डोनेट किया जाता था। ठीक, ये समझ लेते हैं दोनों का डेफिनेशन क्या होगा तो उससे और समझ आएगा। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ऐसा रेट ऑफ रिएक्शन जिसमें कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा हो या फिर डिक्रीज हो रहा हो एक स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक, यहां क्या लिख देता हूं, इंक्रीज और डिक्रीज कंसंट्रेशन, CONCENTRA कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक, बाय क्या हो जाएगा, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक, तो उसे क्या बोला जाएगा, इंस्टेंटेनियस बोला जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, अब इसी को और आगे अगर फर्दर मैं करता हूं तो आगे दोनों को एक साथ करेंगे ज्यादा समझ आएगा। अब इसी तरह यही कॉन्सेप्ट उसके लिए भी अप्लाई हो जाएगा, इंक्रीज और डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन एवरेज टाइम इंटरवल। एवरेज टाइम इंटरवल मतलब बोल सकते हैं कि कितना, मतलब बड़ा टाइम इंटरवल हो सकता है। ठीक, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इंक्रीज और डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम टू सेम, ये वाला यहां आ जाएगा। ठीक, मैं यहां से क्या लिख देता हूं, इंक्रीज से लेकर के डिक्रीज और प्रोडक्ट तक, ठीक दोनों साइड सेम आ जाएगा, लिख देना भैया। और इसमें क्या आ जाएगा, इसमें स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम था, इसमें एवरेज इंटरवल, एवरेज इंटरवल, ठीक ऑफ टाइम। ठीक, इसमें स्मॉल टाइम नहीं रहेगा, इसमें बड़ा टाइम रहेगा। ठीक, इसको किस तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है, अगर इसकी एक्सप्रेशन की मैं बात करता हूं तो इसे जैसे मैं मान के चलता हूं कि ए हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक, ए क्या है, अपना प्रोडक्ट है। ठीक, उधर साइड भी ए प्रोडक्ट को ही मान के चलता हूं, तो ये क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय डी टी, इसे क्या किस तरह से रोटेट किया जाएगा, रेट इज इक्वल्स टू, इसका एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक, सेम टू सेम एवरेज का भी होगा बट उसमें थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा, दैट रेट इज इक्वल्स टू डेल्टा आ जाएगा यहाँ। ठीक, और ब्रैकेट में कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय डेल्टा टी। ठीक, समझ आया, चलो भैया एवरेज, एवरेज यानी होता है स्मॉल, सॉरी एवरेज यानी होता है पूरा एक लॉन्ग इंटरवल, और इंस्टेंटेनियस यानी होता है एक स्मॉल इंटरवल, इसको लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है, चलो भैया रफ करते हैं। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट, जनरली रेट की यूनिट किस तरह से हम निकाल सकते हैं, इस टॉपिक को कवर कर लेते हैं, इसके बाद रेट लॉ पढ़ेंगे। अब यहां से रेट लॉ से फिर आपका इंपॉर्टेंट, तो यूनिट वाला निकाल लेते हैं,
यूनिट आपका जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर ये सब निकालने में मदद करेगा। अब ये कंफ्यूज मत होना, इन सबको आगे भी बताऊंगा मैं क्या होता है ये, ठीक। आगे समझ के रखो अपने को क्या नेक्स्ट टॉपिक है, यूनिट, यूनिट ऑफ रेट, ठीक। रेट का क्या यूनिट हो जाएगा ये अपने को निकालना है। तो रेट इज इक्वल टू क्या होता है, रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ए मान लेते हैं कुछ भी, बाय डी टी होता है। तो जनरली किसी की कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, किसी की कंसंट्रेशन की यूनिट मोल लीटर इनवर्स होती है। पिछले वाले टॉपिक्स में, मतलब पिछले वाले चैप्टर्स में ये सब हम पढ़ चुके हैं, वहां मोल्स एमएल इनवर्स लेके चल रहे थे, बट यहां ज्यादा क्वांटिटी लेके चलेंगे इसलिए मोल्स लीटर इनवर्स, ठीक। और टाइम तो हमारा सेकेंड्स में एग्जिस्ट करता है, बट मैं यहां क्या ले लेता हूं, टाइम इनवर्स ले लेता हूं। टाइम कितना भी हो सकता है इसके हिसाब से, टाइम में हो जाएगा। तो जनरली इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, मोल्स लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, तो ये आ जाएगा आपका रेट का यूनिट आ जाएगा, ठीक। ये वाला क्लियर है यूनिट, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो हो गया, अब अपना है, अब से इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो जाएगा, मतलब रेट लॉ से स्टार्ट करते हैं। रेट लॉ अब से आपको जितने टॉपिक्स आएंगे वो सारे के सारे टॉपिक्स आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएंगे वो यहीं से बनेंगे, ठीक। अब से मतलब पूरी तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, आईएमपी लिख दो चाहे तो, ठीक। रेट लॉ, रेट लॉ क्या होता है, यहां से स्टार्ट करते हैं। तो जनरली अगर मैं रेट लॉ को डिफाइन करता हूं तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट लॉ के हिसाब से हमारा रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, किसका लिख सकता हूं, कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक। ये याद रखना, रेट लॉ यही बोलता है अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ की रेट और लॉ किसके हिसाब से कि कोई भी रिएक्शन का डायरेक्टली, मतलब कोई भी रिएक्शन इतनी फिजिबल होगी जितना उसका कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा, ठीक। तो जनरली मैं रेट को इस तरह से और लिख सकता हूँ, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बोल रहे हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। मान के चलता हूं मेरे पास क्या है, ए प्लस बी गिव्स मी सी, ये मेरे पास एक क्या है, रिएक्शन है, ठीक, रिएक्शन है, ठीक। तो इसी रिएक्शन को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस रिएक्शन के हिसाब से रिएक्टेंट को लेके चलता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है हमारा रेट। तो ए प्लस बी की यहाँ क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन एंड बी की कंसंट्रेशन, सिंपल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए मैं क्या यूज कर सकता हूँ, एक कॉन्स्टेंट यूज कर सकता हूँ, दैट विल बी अ के, एंड के क्या हो जाएगा यहाँ हमारा रेट कॉन्स्टेंट, ठीक, रेट कांस्टेंट। चलो ये यहां तक क्लियर है, तो इसे कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी यहां तक लिख लो, तो ये आ जाएगा आपका फाइनल रेट का इक्वेशन। अब से जो आया है इसी को लेके चलना है, पिछला वाला सिर्फ टॉपिक एक समझने के लिए था, ठीक। चलो इसको रब कर रहा हूं, इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने टॉपिक में, यहां तक समझ आए, अब इसी से आगे रिलेट करते हुए अपने को बढ़ना है। यहां तक हो गया, ये लो भैया कंप्लीट, हम कंप्लीट, ठीक। अब आता है, अब इसी में एक चीज और रेट में जोड़ना था कि दैट हमारा रेट जो आया था, रेट का इक्वेशन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए एंड बी की कंसंट्रेशन, मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के तो होता ही है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के होता ही है, बट इसमें एक और टर्म जुड़ जाता है, दैट वो राइज टू द पावर, मतलब जो उसका पावर होगा रिएक्टेंट की उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो पिछले वाले टॉपिक में ऐड कर लेना भैया,
कि जो ए है उसकी पावर एंड बी की जो पावर है मतलब रिएक्टेंट की जो पावर्स होंगी उसके ऊपर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक, मतलब इसके ऊपर भी पूरी तरह से डिपेंड करेगा। अब ये इस तरह से किस तरह से मतलब आपका रेट का जो इक्वेशन पिछला वाला था उसको आप कुछ इस तरह से लिख लेना। तो ये एक्स एंड बी इज इक्वल टू वाई, और ये जो एक्स एंड वाई है ये जनरली ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस हमारे निकालने के लिए कहेंगे। जनरली ये क्या है, अभी तो पावर है, क्या है, पावर है, ये एक्स एंड वाई अभी पावर है, पावर ऑफ द कंसंट्रेशन बोला जाता है, ठीक। तो अभी ये वाला इक्वेशन आपका आया है, ये फाइनल रेट का इक्वेशन है। तो पिछले वाले टॉपिक में सिर्फ और सिर्फ आपको ए के ऊपर एक्स एंड बी के ऊपर वाई लिख लेना है, और जो आपका रेट का इक्वेशन था उसके ऊपर भी एक्स एंड वाई लिख लो भैया, चलो ठीक। तो ये है आपका रेट का फाइनल इक्वेशन, ये हो गया यहां तक। अब जो हमारा नेक्स्ट आता है ऑर्डर ऑफ, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के हिसाब से जो उसकी पावर होगी वो उसकी पावर के सम को क्या बोला जाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जनरली से एन से डोनेट किया जाता है। तो एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा यहां, एन, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एन, और इसी को क्या बोला जाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है भैया। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझ आ गया तो आगे का टॉपिक भी समझ आ जाएगा, ठीक। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये सब रब कर दे रहा हूं, मान लेते हैं मेरे पास एक सिंपल सा एग्जांपल है उससे समझ लेते हैं। ये है अपना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मैं एक मान लेता हूं कि मेरे पास रेट है इस तरह का, मेरे को रेट दिया गया इक्वल्स टू क्या दिया है, के इन टू कंसेंट्रेशन ऑफ एक्स की जगह वन दिया गया है एंड बी की जगह 3/2 दिया गया है, ठीक। अब बोला है कि इसका ऑर्डर फाइंड करो, क्या फाइंड करो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है अपने को। तो कैसे फाइंड करोगे, सिंपल, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स की जगह क्या दिया है 1 एंड वाई की जगह 3/2, तो एक्स इज इक्वल टू 1 पुट कर दोगे एंड वाई इज इक्वल टू इनटू नहीं है प्लस है 3/2, तो ये क्या आ जाएगा आपका 2 + 3/2, तो ये कितना आ जाएगा 5/2, तो ये आ जाएगा n, मतलब यही आ जाएगा आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 5/2, ये आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब 2.5 भी जनरली से लिख सकते हो, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा आपका 2.5। ये क्लियर है टॉपिक, चलो भैया लिख लो, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना, अगर यहां तक हो गया हो तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि जो हमारा रेट लॉ के हिसाब से जो रेट का इक्वेशन आया है वो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स के लिए किस तरह से होगा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स के लिए किस तरह से एप्लीकेबल होता है। तो जनरली ऑर्डर तीन टाइप के होते हैं, ऑर्डर्स के लिख देता हूँ ORD, ऑर्डर तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट ऑर्डर, सॉरी, जीरो ऑर्डर से स्टार्ट कर देते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक। रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के बोल सकते हैं, कि या फिर ऑर्डर भी तीन टाइप के होते हैं, कितने टाइप के, तीन और टाइप के होते हैं। जनरली पहला कौन सा होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक, और थर्ड आ जाएगा आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ऑर्डर रिएक्शन, ठीक, ये आ जाएगा आपका टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब कितने टाइप के रिएक्शंस होते हैं, तीन टाइप के रिएक्शंस होते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो इसी के टॉपिक के रिलेटेड अपन को क्या निकालना है, यूनिट्स निकालना है सबके, ठीक। तो रेट लॉ के हिसाब से अकॉर्डिंग टू, मैं क्या लिख दूं, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट लॉ के हिसाब से मैं क्या लिख सकता हूं, दैट रेट इज इक्वल्स टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी, ठीक। अब मेरे को जो निकालना है वो सारे के सारे किसके टर्म्स में निकालेंगे, रेट कांस्टेंट के टर्म्स में निकालेंगे, किसके कॉन्सेप्ट में निकालेंगे, रेट कांस्टेंट के टर्म में। तो के इज अ कस्ट टू क्या आ जाएगा अपना, रेट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द कंसंट्रेशन ऑफ बी, इस तरह से आ जाएगा। चलो भैया इसी इक्वेशन को अब फर्दर यूज करते जाना है और सबकी यूनिट्स फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, यूनिट्स को फाइंड करना है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब एक चीज और आपका एडिशनल यहां बताते चलता हूं तो और ज्यादा फायदा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आपकी एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
जीरो। ठीक, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में एन की वैल्यू वन आ जाएगी और जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा एन की वैल्यू यहां टू आ जाएगी। याद रहेगा जीरो ऑर्डर में जीरो, फर्स्ट ऑर्डर में वन एंड सेकेंड ऑर्डर में सेकेंड, आसान है। चलो अपन को फाइंड क्या करना है, अपन को फाइंड करना है यूनिट इधर। ठीक, इतने यूनिट फाइंड करे के हवेगा। चलो के इज इक्वल्स टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, रेट की यूनिट पीछे ट्रेवल किए थे ना, पीछे अभी पढ़ के आ रहे हैं, क्या आते हैं, मोल्स लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स आया था। चलो नहीं आया, समझ आया तो पीछे थोड़ा सा बैक करके देख लेना। अब ए एंड बी, कंसेंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसेंट्रेशन ऑफ बी, इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी एसआई यूनिट मोल लीटर इनवर्स हो जाएगी। ठीक, पिछले वाले टॉपिक में जो रेट था उसमें टाइम था, इसलिए मैं यहां टाइम भी ले रहा हूं। ठीक, टाइम इनवर्स, तो रेट की यूनिट क्या होती है, मोल्स इनवर्स, सॉरी मोल्स लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, और कंसेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी जो रिएक्टेंट है उनकी क्या यूनिट आ जाएगी, मोल्स लीटर इनवर्स। ठीक, अब इसकी सम टू द पावर ऑफ एन लिख सकता हूं और इन सब की जगह एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। ठीक, ये आ जाएगा टोटल टोटल अपना। अब मेरा जो एक्स एंड वाई है इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूं, रेट इज इक्वल्स टू ए कंसेंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसेंट्रेशन ऑफ बी होल टू द पावर एन लिख सकता हूं, सिंपल। और इसी की जगह मैं क्या लिख दिया हूं, यहां होल टू द पावर एन, यही वाला इक्वेशन। ठीक, इसकी यूनिट्स को लेकर चल रहा हूं। अब मेरा पहले केस में क्या आ जाएगा, फॉर फर्स्ट केस मुझे n की वैल्यू को क्या लेके चलना है, जीरो लेके चलना है। तो मैं n की इज इक्वल टू जीरो पुट कर दूंगा, तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स बाय मोल्स लीटर इनवर्स टू द पावर n, तो मोल्स लीटर इनवर्स टू द पावर n इज इक्वल टू जीरो है। ठीक, n इज इक्वल टू जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके साथ इनटू हो जाएगा, तो सम टू द पावर ऑफ जीरो मतलब वन होता है, तो ये टर्म पूरा क्या हो जाएगा, अपना वन हो जाएगा, ये नीचे वाला टर्म, तो इसको यहां साइड लिखे दे रहा हूं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, अपना मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स बाय वन, तो वन की वैल्यू कुछ नहीं होगी, तो भैया ये आ जाएगा आपकी एसआई यूनिट जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या आ जाएगा, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, ये आपकी एसआई यूनिट आ जाएगी रेट कांस्टेंट के लिए। किसके टर्म्स में निकाल रहे हैं, रेट कांस्टेंट के टर्म्स में, यहां तक लिख लो भैया, फिर रब करते हैं। चलो हो गया, तो अब ये जो यहां से ऐसा को रब कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। अब अपने को फिर से लेके चलना है यहां से, ये वाले को मैं ऊपर लिखे दे रहा हूं। ठीक, तो के की के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स बाय मोल लीटर इनवर्स होल टू द पावर एन। ठीक, और इन सबको भी रब कर दे रहा हूं। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बट जब आप नोट्स खोलना है तो वहां आपको एक पासवर्ड मांगेगा, उस पासवर्ड को आपको लिखना है जेपी वर्ल्ड, तभी खुलेगा आपका नोट्स, नहीं तो नोट्स काम नहीं करेगा बिना पासवर्ड के। ठीक, तो नोट्स आर इन डिस्क्रिप्शन, ठीक, पासवर्ड याद रखना। ये आ गया, अब हमारा सेकेंड ऑर्डर के लिए निकाल रहे हैं, किसके लिए, सेकेंड सॉरी फर्स्ट ऑर्डर के लिए, पहले कर रहे थे फिर सेकेंड तो जल्दी जल्दी करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या आ जाएगा, एन की वैल्यू अपनी वन आ जाएगी। ठीक, तो मैं के इज इक्वल टू क्या, मोल्स लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स बाय क्या लिख दूंगा, मोल लीटर इनवर्स टू द पावर एन की जगह वन। ठीक, एन की जगह वन पुट कर दूंगा, तो ये सम टू, ये सबके साथ वन, सबके साथ इनटू हो जाएगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, टोटल मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स बाय मोल लीटर इनवर्स। ठीक, अब यहां पर मोल मोल दिख रहा है, ऊपर नीचे दिख रहा है, लीटर इनवर्स दिख रहा है, दिख रहा है, तो मतलब के की यूनिट क्या रहा है, टाइम इनवर्स बचा। तो आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट की यूनिट आएगी वो आएगी टाइम इनवर्स। ठीक, ये कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखना। चलो भैया वहां तक लिख लो, फिर आगे सेकेंड ऑर्डर के लिए करते हैं, सिंपल। मैं यहीं पास से कर दे रहा हूं रिएक्शन को। अब जो हमारा फर्स्ट है उसकी जगह मैं एन इज इक्वल टू क्या पुट कर दूंगा,
टू पुट कर दूंगा, एन इज इक्वल्स टू टू पुट कर देता हूं तो मेरा रिएक्शन आ जाएगा एन की जगह टू, एन इज इक्वल्स टू टू। अब ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए सिंपल, के इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स बाय मोल स्क्वायर लीटर का नेगेटिव का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो अब क्या आ जाएगा, यहाँ पास मोल ऊपर एक है तो यहाँ ये कट हो जाएगा, लीटर ऊपर एक है यहाँ दो है तो ये भी कट हो जाएगा। तो आपका के की वैल्यू क्या आई, मोल्स ऊपर चला जाएगा क्योंकि मोल्स यहाँ पॉजिटिव है तो ये मोल्स इन्वर्स हो जाएगा और यहाँ लीटर इन्वर्स तो पहले से ही था तो ये क्या हो जाएगा, लीटर में चेंज हो जाएगा, मतलब सिर्फ लीटर और ये अपना टाइम इन्वर्स हो टाइम इन्वर्स में। तो सिंपल आप इसको चाहो तो किस तरह से लीटर मोल इन्वर्स एंड टाइम इन्वर्स में लिख सकते हो। तो इसकी जो सेकेंड ऑर्डर के लिए रिएक्शन आ जाएगी वो के इज इक्वल्स टू लीटर मोल्स इन्वर्स एंड टाइम इन्वर्स, ये आ जाएगा आपका सेकेंड ऑर्डर। चलो ये यहाँ तक लिख लो फिर आगे कंप्लीट करते हैं। ठीक, अब जल्दी जल्दी दो तीन क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद ये टॉपिक यही खत्म करते हैं। अगले टॉपिक में हम इक्विवेलेंट पढ़ेंगे, मोलैलिटी मोलैरिटी पढ़ेंगे, ठीक, और कुछ इक्वेशंस भी, बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करने, ये यहाँ जरूरत है। अब पहला क्वेश्चन, ऑर्डर ऑर्डर लिखा रहने देता हूँ रिएक्शन। ठीक, यह क्या आया था, के की वैल्यू आई थी अपना लीटर मोल इनवर्स टाइम इनवर्स। ठीक, पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट। आपके पास एक रेट कांस्टेंट दिया गया है, K इज इक्वल्स टू 2.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 लीटर मोल इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स। ठीक, अब आपको यहाँ बताना है कि ये कौन सा ऑर्डर होगा, ऑर्डर पूछ रहा है। ठीक, तो इसमें से फर्स्ट सेकेंड थर्ड सॉरी जीरो फर्स्ट एंड सेकेंड में कौन सा ऑर्डर होगा, तो आप यहाँ इसकी यूनिट से पता कर सकते हो क्या है? लीटर है, मोल इनवर्स है एंड सेकेंड इनवर्स, लीटर मोल एंड सेकेंड इनवर्स, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। समझ आया? चलो भैया ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व। सेकेंड क्वेश्चन, आपको फॉर अ रिएक्शन H2 and Cl2 एक आपके पास रिएक्शन दी गई है, ये आपकी रिएक्शन, मतलब मैं रब करके कर देता हूं। ठीक, ये सब भी रब कर दे रहा हूं, यहां तक क्लियर है? कुछ भी डाउट हो कमेंट करना जरूर। चलो आ गई अब आपका सेकेंड क्वेश्चन, फॉर अ रिएक्शन, एक आपके पास रिएक्शन दी गई है, रिएक्शन क्या है H2 प्लस इसके साथ क्या जोड़ दिया Cl2 और अपन को बोल रहे हैं Hμ की प्रेजेंस में HCl में बन जा रहा है। पहला आपका यहां क्वेश्चन आता है भैया कि राइट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्शन की ऑर्डर लिखना है, तो कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, तो उससे पहले मैं क्या लिख लूंगा रेट कांस्टेंट का इक्वेशन। तो के इज इक्वल क्या आता है, रेट अपॉन आर ए टी, रेट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ ए टू द कंसेंट्रेशन ऑफ बी। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, रेट की जगह रेट ही रहेगा और ए और बी की जगह क्या आ जाएगा, रिएक्टेंट लेके चलते हैं हमेशा, तो रिएक्टेंट की जगह क्या आ जाएगा H2 और इसकी जगह Cl2। ठीक, ये हो जाएगा आपका प्रॉपर इक्वेशन। अब मेरे को बोल रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलो बताओ, तो जनरली यहाँ आपको कुछ दिया ही नहीं है, AH इसके ऊपर कुछ बताया है कि इसका कौन सा ऑर्डर है, तो जनरली इसका जो नहीं अगर दिया रहता है इक्वेशन में तो हम उसको क्या मान के चलते हैं, जीरो। तो ये इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा वो जीरो ऑर्डर, क्योंकि अगर मैं एक्स प्लस वाई करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा जीरो, इसका भी जीरो, इसका भी जीरो, तो एन की वैल्यू यहाँ क्या आ जा रही है जीरो, तो जीरो आ रही है, मतलब ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। चलो राइट द यूनिट फॉर के, के की यूनिट क्या हो जाएगी, तो यहाँ से लिख सकते हैं के की यूनिट, के की रिस्पेक्ट रेट का क्या हो जाएगा, मोल से मोल लीटर इनवर्स बाय टाइम इनवर्स होता है, इसका क्या यूनिट हो जाएगा, मोल्स लीटर इनवर्स और टाइम लीटर होता है बस, मोल्स लीटर इनवर्स। तो मैं क्या कर दूंगा, ये कौन सा ऑर्डर आ जा रहा है आपके पास, जनरली यहाँ पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन आ रहा है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या आता है आपकी वैल्यू, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो आपकी SI यूनिट ये वाली, क्योंकि इसकी जगह क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ आपकी SI यूनिट इसकी क्या आ जाएगी, मोल्स लीटर इनवर्स एंड टाइम इनवर्स। चलो यहाँ तक लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं।
चलो भैया बस तो यहीं तक ये वीडियो, आगे टॉपिक में जाके और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।